दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड मलाई रोल। ये रोल्स आपको दिखने में जितना यामी लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज्यादा टेस्टी बना है। और आज हम जो स्टफिंग इस रोल में डालेंगे उससे इसका टेस्ट भी बाकी मलाई रोल से बिल्कुल अलग होगी। मतलब ये रोल के ऊपर में आपको मलाई का स्वाद मिलेगा और अंदर में पनीर की टेस्ट जो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। और ये रेसिपी भी काफी इजी है, तो कोई भी ओकेशन पे ये टेस्टी मिठाई को आप घर पर बड़े ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो यहाँ पे मैंने 4 कप दूध लिए है, यानी 1 लीटर दूध है ये। पहले हम इस दूध को मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ चुके हैं। अब फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे और ये जो ऊपर की मलाई है इसे एक बार मिला देंगे। और अब इसे थोड़े से दूध अलग से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये केसर दूध में अच्छे से मिल जाए। और इस दूध को हम बीच बीच में चलाते हुए और पैन के साइड में जो मलाई जमता जाएगा उसे भी कलची से मिलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही कलची से खरोसते हुए मलाई को हमें इस दूध में मिलाते जाना है। और ऐसे ही लो फ्लेम पर चलाते हुए इस दूध को हमें आधे से ज्यादा गाढ़ा कर लेना है, यानी इस दूध का हमें रबड़ी बनानी है। यहाँ पे मैंने टोन मिल्क लिए है, लेकिन आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। उससे रबड़ी और भी ज्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि उसमें क्रीम बहुत ज्यादा रहता है। और ये काम करते हुए आप फ्लेम को हाई या मीडियम मत कर लेना, इसे दूध पैन के नीचे से जल जाएगा और रबड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए करीबन 30 मिनट चलाने के बाद ये दूध काफी गाढ़ा हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और जो केसर हमने भिगो के रखे थे वो केसर वाले दूध भी इसमें डाल देंगे। और करीबन 5 मिनट हम इसे वापस से चला लेंगे ताकि ये दूध थोड़े और गाढ़ा हो जाए। अगर हो सके तो आप ये रबड़ी बनाने के प्रोसेस को नॉनस्टिक पैन में ही करें, इससे आपका मलाई वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखिए रबड़ी थोड़े और गाढ़ा हो चुके हैं। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच गुलाब जल और गुलाब जल को भी इसके साथ अच्छे से मिला देंगे और गैस को बंद करके इसे साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़े से ठंडा हो जाए। और तब तक हम मलाई रोल के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो दूसरे इस पैन में लेंगे 1 बड़े चम्मच घी और घी मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बारीक सूजी और लो फ्लेम पर करीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसे भून लेंगे, लेकिन सूजी का कलर हमें चेंज नहीं करना है। ये देखिए सूजी थोड़ा सा भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 कप ग्रेटेड पनीर डालेंगे और पनीर को सूजी के साथ अच्छे से मिला देंगे। ये पनीर को मैंने घर पर ही बनाया है, लेकिन आप चाहे तो मार्केट की पनीर भी ले सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा ग्रेट करके लेना। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम और 1/2 कप दूध और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम की जगह पे घर पे बनाए हुए मलाई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, करीबन 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड बादाम और 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड काजू और डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए लो फ्लेम पर और थोड़े देर पका लेंगे, जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे। ये देखिए करीबन 6 मिनट चलाने के बाद ये मिक्सर पैन छोड़ने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने 10 बड़े साइज के व्हाइट ब्रेड लिए हैं। नॉर्मली सैंडविच बनाने के लिए यही ब्रेड यूज किया जाता है। अब ब्रेड के ये जो साइड्स है इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए कोशिश करना मलाई रोल के लिए आप फ्रेश ब्रेड ही यूज करें, इससे रोल अच्छे से फोल्ड होगा। और ब्रेड के ये जो साइड्स है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे।
अब एक ब्रेड को इस सरफेस में रखेंगे और बेलन से बेल के फ्लैट कर लेंगे और करीबन एक छोटे नींबू के साइज के स्टफिंग का बॉल बना लेंगे और दोनों हाथों से इसे ऐसे ब्रेड के जो साइज है उस साइज की बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसे ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इस ब्रेड को ऐसे घुमाते हुए रोल बना लेंगे और अब इसका एजेस में थोड़ा सा पानी ब्रश करके इसे ऐसे लॉक कर देंगे। ये देखिए ये रोल हमारा बन गया। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में रख देंगे और सेम ऐसे ही बाकी के रोल भी बना लेंगे। अब इसके ऊपर से मैं ये रबड़ी डाल दूंगी और यहाँ पे आप ध्यान रखना सारे रोल्स को रबड़ी से अच्छे से कोट कर देना है, तभी इसके जो मजेदार टेस्ट है वो आपको मिल पाएगा। अब लास्ट में गार्निशिंग के लिए ऊपर से इसमें थोड़े से पिस्ता भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, इसे ये दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे ऐसे ही सारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।